Jungle. प्रदेश के कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी आज जालौन के उरई में जिला योजना की बैठक लेने आए थे। बैठक में विधायकों द्वारा मंत्री से पीसीएफ के अधिकारी की शिकायत की गई। विधायकों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए कारागार मंत्री ने पीसीएफ के जिला प्रबंधक की फटकार लगाए, साथ ही उन्हें उल्टा टांगने तक की धमकी दे डाली। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दरअसल मामला पीसीएफ के गेहूँ और दलहन की खरीद का है। जिला योजना बैठक में कालपी के विधायक नरेंद्र सिंह जादौन और माधौगढ़ के विधायक मूलचंद्र निरंजन ने किसानों की समस्या को उठाते हुए बताया कि कालपी और माधौगढ़ के पीसीएफ केंद्र पर किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। किसानों ने दलहन की खरीद में 500 से 700 रुपए तक लिए जा रहे हैं, साथ ही किसानों की फसल न खरीद कर व्यापारियों से खरीदा जा रहा है। शिकायत सुनने के बाद कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने पीसीएफ के जिला प्रबंधक के बाजपाई को बुलाया और उनसे मामला पूछा, लेकिन मंत्री के सामने जिला प्रबंधक सही जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद मंत्री ने जिला प्रबंधक की सभी अधिकारियों के सामने जमकर फटकार लगाए, साथ ही उनको उल्टा लटकाने की बात तक कह डाली। इसके अलावा उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही। मंत्री की डांट से वहां मौजूद अधिकारी चकित रह गए। किसानों की सूची, किन किसानों से दूध खरीद लो, अगर एक भी किसान मिला, अगर एक भी व्यापारी का मिला ना, तो भाई उनका डाले किसानों से 300-400 रुपए से ज्यादा होता है। अगर एक भी किसान ने बयान दिया तो तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दिखाऊंगा, तुम्हारे एक खिलाफ दिखाऊंगा, कोई दूसरा ना तुमसे खिलाफ नीचे कार्रवाई करते हो ना, वहां पर केवल कार्रवाई होगी। बात खराब है तुम लोगों का, पूरे जिले के अंदर जिस तरीके से कालाबाजारी की है ना, जांच होगी पता चलेगा। एक दूसरे पर कि ये मेरा कांटा नहीं देना, हम सामने माधवगढ़ में थे, माधवगढ़ में किसानों